शिक्षक बंधुओं, आज हम लोग विज्ञान विषय के एक प्रकरण वायु के गुण, संगठन तथा उपयोगिता को शिक्षक संदर्शिका की सहायता से कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और पाठ को अच्छी तरह समझ पाएं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं शशांक जी, राजेश जी और वेद प्रकाश जी। आइए इनसे जानते हैं कि अपनी कक्षा में इस पाठ को किस तरह पढ़ाते हैं। अच्छा राजेश जी, ये बताइए अपनी कक्षा में वायु के पाठ आप किस तरह पढ़ाते हैं? ज्योति जी, हम लोग तो पहले तो बच्चों को पाठ पढ़ा देते हैं, उनको पाठ पढ़ने के लिए कहते भी हैं और चित्रों के माध्यम से चित्र दिखाते हैं और चित्रों के माध्यम से उनको समझाते भी हैं। उसको समझाते हैं। शशांक जी, आप किस तरह पढ़ाते हैं? जी, मैं बेसिकली बोर्ड पे बना के उनको समझा के इसी तरीके से हम भी शाम पट पे चित्र बना के आप उसको समझाते हैं। जी वेद प्रकाश जी, आप किस तरह पढ़ाते हैं? मैं चार्ट पर फिगर डिजाइन बना करके बना तो बच्चों को सिखाता हूँ। चार्ट बना के चार्ट अच्छा तरीका आपका, इसको टीएलएम कहते हैं हम लोग। टीएलएम की सहायता से पढ़ाना तो अच्छी बात होती है। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को समझ में आ जाता है पाठ? जी हाँ, समझ तो आता होगा लेकिन मुझे लगता है शायद उनकी रुचि नहीं रहती उस तरफ, पाठ में रुचि नहीं रहती। शशांक जी, आप क्या कहते हैं? जी यही है, उनकी रुचि थोड़ी कम लगती है इन सब चीजों में, सारे पाठ को थोड़ा कम समझ पाते होंगे। हो सकता है। तो ये आपने ये समस्या है बच्चों की, बच्चों को एक्चुअली हम लोग क्रियाकलाप करके पढ़ाना चाहिए इस पाठ को। आप क्रियाकलाप कराते हैं कक्षा में? नहीं, क्रियाकलाप तो कुछ नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ को आप लोग क्रियाकलाप करके पढ़ाएं तो बच्चे इसमें रुचि लेंगे और इसको अच्छे समझ पाएंगे। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को जब भी हम पढ़ाएं तो बच्चों को जो भी हम बताएं बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएं, व्यवहारिक ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चे उसके बारे में कितना पहले से जानते हैं, उससे जोड़ के तब पढ़ाना शुरू करें। जैसे हम वायु का पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमें ये इतना तो पता है कि बच्चे जो है चलती हुई वायु को अनुभव करते हैं, है ना। बच्चे ये भी जानते हैं वायु को हम देख नहीं सकते लेकिन वायु हर जगह है जी। और बच्चों ने खेतों में खलिहानों में वायु के द्वारा भूसे को गेहूं से अलग करते हुए देखा है, है ना। बच्चे ये जानते हैं और बच्चे ये भी जानते हैं कि झंडियां वगैरह जो विशेष अवसरों पे झंडियां लगाई जाती हैं, झंडे फहराए जाते हैं, खास अवसरों पे झंडियां और झंडे लगाए जाते हैं तो वो भी हवा के द्वारा ही फहराए जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ते हैं जी। इतना बच्चों को वायु के बारे में पता होता है, इसके बाद हम बच्चों को वायु के गुण बताते हैं, है ना। तो बच्चों को ये चीज बताएं आप कि थोड़ा सा पूर्व ज्ञान से जोड़ें उसको, और बच्चों को जब भी हम बताएं तो बच्चों को जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसको स्कूल के बाहर के वातावरण से जोड़ें। बाहर के वातावरण से, सिर्फ स्कूल की चार दीवारी में नहीं, स्कूल की चार दीवारी से बाहर जो वातावरण है उससे जोड़ के पढ़ाएं जी, है ना। तो बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। अब इसे वायु के गुण वाले पाठ में वायु के गुण दिए हैं शुरू में जी। तो वायु का पहला गुण होता है कि वायु स्थान घेरती है, है ना, वायु स्थान घेरती है। तो इसको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप चित्र की सहायता से पढ़ाते होंगे कक्षा में। तो मेरा कहना ये, इसको आप चित्र की सहायता से बताएं बच्चों को लेकिन साथ ही साथ कुछ क्रियाकलाप कराएं। जैसे कि गुब्बारा तो आप जानते हैं हमारे परिवेश में आसानी से उपलब्ध होता है और बच्चे गुब्बारा वो खुशी से फुलाते हैं, तो बच्चों को एक गुब्बारा लें और बच्चों को उसको फुलाने को कहें। देखिए जैसे ये गुब्बारा है जी, है ना, और डंडी में इसमें नली में लगाया है फुलाने के लिए, बच्चों से इसको फुलाने कहें। बच्चे इसको फुलाएंगे इस तरह से, ये फूलेगा तो ये जगह घेरेगा, है ना। जब फूलेगा तो फूल के ये बड़ा हो जाएगा, फूल के तो ये जगह घेरेगा, इसमें हवा चली आएगी, हवा चली जाएगी जगह घेर लेगा। तो आप बच्चों को बताएंगे देख गुब्बारा पहले कैसा था, आपने जब इसमें हवा भर दी, हवा भर दी से ये फूल गया, इसने वायु ने इसमें जगह ले ली, वायु ने इसमें जगह ले ली। तो हम कह सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है, है ना। और इसके अलावा एक और क्रियाकलाप करा सकते हैं आप। आप बच्चों को यही बात समझाने के लिए एक क्रियाकलाप और करा सकते हैं। पानी तो मिल ही जाता है आसानी से हर जगह, एक कोई ऐसा ही पारदर्शी बर्तन ले लें और इसमें हम ये गिलास ले लें कांच का, ठीक जी, है ना, इसको इसमें डुबोएंगे। तो बच्चों को बताएंगे चूंकि ग्लास के अंदर दिख रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं इस ग्लास के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर हवा है, हवा है। बच्चों को बताएंगे इसके अंदर हवा है, है ना। फिर इस ग्लास को हम पानी में डुबोएंगे तो आसानी से नहीं डूबता ये, हमें जोर लगाना पड़ता है ना इसको, क्योंकि इसके अंदर हवा है, जोर लगा डुबोते हैं फिर इसके अंदर थोड़ा तिरछा करते हैं इसको। जब तिरछा करें देखिए इसमें बुलबुले उठते हैं, जब ग्लास को डुबोने के बाद हम इसको ऐसे तिरछा करते हैं ऐसे, तो इसमें से ग्लास में हवा के बुलबुले निकलते हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे कि इस ग्लास के अंदर हवा थी, हवा थी, इसकी हवा थी, इसको जब हमने पानी में डाला तो वो हवा निकलने लगी, पानी अंदर घुसने लगा, जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा वैसे वैसे हवा बाहर आएगी, हवा बुलबुले के रूप में बाहर आती है ना, इसका मतलब हवा का अनुभव हो गया। हाँ बच्चों को, हाँ इसके अंदर हवा है, बच्चे को बताएंगे इसके अंदर हवा है और जगह उसने ग्लास में घेरी हुई है, जब हम डुबोते हैं और उसके बाद इसको जब थोड़ा तिरछा करते हैं तो इसमें बुलबुले निकलते हैं।
ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को करके बताएं, मुझे लगता है बच्चे बहुत रुचि से करेंगे और बच्चों का ज्ञान स्थायी होगा। और वायु में एक गुण और इसको हम इस तरह बता सकते हैं, वायु स्थान गिरती है। जी ठीक है, ठीक है। वायु में एक गुण और होता है कि वायु में भार होता है, वायु में भार होता है। तो वायु में भार होता है, इसको भी आप कक्षा में अपने चित्रों के साथ बताते होंगे, अच्छा बताते होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि इसको आप फिर गुब्बारों की सहायता से एक क्रियाकलाप करा के बताएं, इससे बच्चे अच्छे समझ पाए। देखिए ये एक हमारे पास, हमने क्या किया, इसमें एक डंडी में दो गुब्बारे फुला के बांध लिए, एक तराजू नुमा बना लिए। इसको आप कई तरह से बना सकते हैं, जैसे जो चीजें आपके आस पास उपलब्ध हो उससे आसानी से बना पाए, और बच्चों से बनवा सकते हैं, है ना। और इसको जो है पकड़िए आप इस तरह से, देखिए ये, तो इसमें देखिए दो गुब्बारे बंधे हुए हैं इसमें, है ना जी। ये देखिए थोड़ा सा ये गुब्बारा, ये वाला गुब्बारा थोड़ा सा भारी है, इससे थोड़ा झुक रहा है इधर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हवा निकाल देंगे, निकाल देंगे हैं। इसकी हवा देखिए इधर लाइए, इसको थोड़ा इधर पकड़िए ऐसे करके जी। इसकी हवा हम धीरे से निकाल देते हैं, ये देखिए इसकी हवा निकल गई है। जी हाँ, ये हवा निकल गई। अब इसको पकड़िए आप, अभी पूरा इधर झुक गया। देखिए तो बच्चों को बताएंगे कि हवा में भार होता है, इसलिए ये डंडी इस तरफ ये पूरा झुक जा रहा है, ये ऊपर हो जा रहा है। इस तरह से बच्चों को हम बताएंगे हवा में, वायु में भार होता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं वायु में भार होता है। ठीक है, ठीक है। अब वायु में एक गुण और होता है, वायु दाब डालती है जी। इसको अपनी कक्षा में हम क्रियाकलाप के द्वारा कैसे बताएंगे, फिर हम गुब्बारा लेते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, बच्चों को ऐसे इसमें लगा के गुब्बारा बताएंगे, गुब्बारा फुलाएं बच्चे। जब इसको जो गुब्बारे को बच्चे जब बहुत देर तक फुलाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा कि ये गुब्बारा फट जाएगा, फट जाता है ना। खूब देर से फुलाइए इसको, और टाइट है, चलिए रुक लो उसको, हवा वहां रुक लो। ये देखिए फट गया है ना। तो बच्चों को हम इससे बताएंगे जब हवा बहुत ज्यादा हवा भरते हैं इसके अंदर तो गुब्बारा फट जाता है, इसका मतलब हवा क्या करती है, दाब डालती है, हवा दाब डालती है, इसलिए गुब्बारा फट जाता है ना। तो इस तरह बच्चों को करके बताएंगे, बच्चों का ज्ञान स्थायी होगा और बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है। ठीक है, अब हमने आपको वायु के तीन गुण बताए, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है और वायु दाब डालती है। इसको आप क्रियाकलाप के द्वारा कैसे बताएंगे, है ना। इसके इसको समझ में आ गया आपको, कक्षा में अपने किस तरह बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब वायु का संगठन, इसके बाद हम बात करेंगे वायु के संगठन का, कि वायु में क्या कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितनी कितनी होती हैं, है ना। तो अब मान लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं, बच्चों को बताते होंगे कक्षा में वायु में कितनी गैसें होती हैं और कितनी कितनी होती हैं, चित्र की सहायता से बताते होंगे, है ना। इसका क्रियाकलाप आप कर सकते हैं कि वायु में ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, बच्चों को बताते हैं हम लोग। इसको हम प्रयोग के द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे, मोमबत्ती आसपास सब जगह आसानी से मिल जाती है, देखिए इसको हटा देते हैं, इसको हम जला लेंगे। अब देखिए मोमबत्ती जल रही है, जी हाँ, अब ये जल रही है क्योंकि जलती रही क्योंकि हवा इसको मिल रही है, बच्चों को बताएंगे। इसका इस पर गिलास को से ढक देंगे, हाँ ठीक। तो आप देखेंगे जब इस पर गिलास को हम ढक देंगे तो जितनी कुछ देर बाद होगी मोमबत्ती बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, कुछ देर तक जलेगी, कुछ देर तक देखिए बुझ गई, देर तक इसमें हवा है। जितनी इसमें गिलास के अंदर, बच्चों को इस तरह समझाएंगे, गिलास के अंदर जितनी हवा है उतनी देर तक मोमबत्ती जलेगी, और जहां गिलास के अंदर की हवा खत्म, हवा फिर भी हवा है इसके अंदर, हवा का एक तत्व इसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी तभी मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे हम बच्चों को बताएंगे कि हवा इसके अंदर हवा थी, हवा में ऑक्सीजन ने, हवा भी जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, इसलिए बुझ गई हवा में। इससे हम बच्चों को सिद्ध करेंगे कि हवा में
ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। और इसलिए प्रयोग करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपको ये हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, बहुत कम होती है, 1% के बराबर होती है, लेकिन इसको हवा में होती तो है। तो हमें बच्चों को अगर ये सिद्ध करना हो कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो इसके लिए भी एक प्रयोग है। आप देखिए ये चूने का पानी है, इसमें हमने चूना डाला हुआ है, है ना, ये चूना डाला हुआ है, चूने का पानी है ना, नीचे चूना पड़ा हुआ है। हाँ, चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये दूधिया हो जाता है, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये गुण होता है कि जब चूने के पानी में इसको डालते हैं तो ये दूधिया कर देती है उसका। अब हम बच्चे ये भी जानते हैं कि जो सांस लेने में जो हवा हम बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, सांस बाहर निकालने की क्रिया में जो गैस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो बच्चों से, या आप खुद भी क्लास में अपनी कक्षा में कर सकते हैं, या बच्चों से इसमें क्या कहें, फूंकने को कहें ऐसे, तो बच्चे बहुत देर तक फूकेंगे तो आप देखेंगे कि चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। इसको फूकते रहना पड़ता है, थोड़ी देर फूकना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बहुत कम होती है। ये देखिए दूधिया हो गया। अब देखिए चूने का पानी दूधिया हो रहा है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड में और फूकते जाएंगे उतना ही गाढ़ा दूधिया होता चला जाएगा, है ना। तो बच्चों को ये आप अपनी कक्षा में करके दिखाएं ऐसे कि चूने के पानी को इस तरह हम दूधिया को जाता है, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मौजूद है, और हमारी हवा में जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प, जलवाष्प को सिद्ध करने के लिए आप बहुत आसान सा प्रयोग कर सकते हैं, हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है, बर्फ, बर्फ तो होती है ना, आपने देखा होगा बर्फ किसी बर्तन में रखते हैं या कांच के ग्लास में रखते हैं तो बाहर थोड़ी थोड़ी बूंदें इकट्ठी जाती हैं, पानी की बूंदें बाहर की तरफ दिखती हैं बर्तन की, है ना। तो वो बूंदें क्या होता है, जो हमारे ग्लास में जिसमें बर्फ रखी है उसके चारों तरफ जो हवा है वो जब ग्लास के संपर्क में आती है, जब ग्लास के संपर्क में आती है तो वो संघनित हो जाती है, क्योंकि उसमें जलवाष्प जो है, उस हवा में जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाती है, वो संघनित होकर बूंदों के रूप में ग्लास के ऊपर जमा हो जाती है। तो बच्चों को हम बताएंगे कि ग्लास के ऊपर बूंदे कहाँ से आती हैं, अक्सर बर्फ रख दी आपने ग्लास के अंदर तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं बूंदे कहाँ से आई, बर्फ तो ग्लास के अंदर है, पानी हमने बाहर से डाला नहीं, तो ये बूंदे कहाँ से आ गई, तो ये बूंदे कहाँ से आई, हवा से आई, हवा से आई, क्योंकि हवा में जो जलवाष्प है, हवा में जलवाष्प होती है, जो हवा में जलवाष्प है वो जो है संघनित हो गई है बर्फ की वजह से, अब बूंदों के रूप में ग्लास के ऊपर है। इस तरह से बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जी। वायु में जल वाष्प होती है, जल वाष्प, ठीक है। तो आप बच्चों को इस तरह से, इस तरह के प्रयोग करके अगर समझाएंगे तो मुझे लगता है बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही होगा।